उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे एट स्किल फैंटेसी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यदि छत्रिय समाज के लोग बहुत पहले डीएसपी में सहारनपुर से जुड़ जाते तो शायद आपको भी मौका मिल सकता था, लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते रहे, उन्होंने आपको मौका दिया नहीं। तो नागपुर के बाद जब यूपी में मायावती ने चुनावी प्रचार शुरू किया तो विरोधियों को धुआं धुआं कर दिया। इस बीच देवबंद में चुनावी सभा करते हुए मायावती ने बीजेपी के सबसे बड़े दर्द को और बढ़ा दिया। दर्द जिसकी दवा लगातार बीजेपी ढूंढने में लगी हुई है। दर्द अपने सबसे खास वोटर्स के भयंकर नाराजगी का। बीजेपी का कोर वोटर कहे जाने वाले क्षत्रिय वोटर बीजेपी से नाराज है। ये समाज बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगा रहा है, उनको कम नुमाइंदगी देने का आरोप लगा रहा है। कई जगह बीजेपी बायकॉट के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवारों का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में मायावती ने मौके पर मार दिया चौका और खुद को बता दिया क्षत्रियों के सम्मान की रक्षा। यदि क्षत्रिय समाज के लोग बहुत पहले बीएसपी में सहारनपुर से जुड़ जाते तो शायद आपको भी मौका मिल सकता था, लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते रहे, उन्होंने आपको मौका दिया नहीं। इसलिए लेकिन फिर भी हमने क्षत्रिय समाज का मान सम्मान रखा और हमने भगवत लगी कैराना लोकसभा की सीट है वहां से क्षत्रिय समाज को हमने टिकट दिया। इसलिए मेरी आप सब लोगों से यही अपील है कि सब समाज के हितों का हर मामले में बहुजन समाज पार्टी पूरा ध्यान रखती है। सब चाहे राजनीति हो या अन्य और कोई मामला हो तो हमारी पार्टी सब समाज के हितों का पूरा ध्यान रखती है। देवबंद के मंच से मायावती कहती हैं कि सहारनपुर में भी अगर क्षत्रियों का साथ होता तो सहारनपुर लोकसभा में भी उनका उम्मीदवार होता, लेकिन कैराना में अपने इसी समाज को उम्मीदवार के नाम पर वो दोनों सीटों पर इस समाज का वोट मांग जाती हैं। सीट है कैराना, कैराना से भी मेरा खास तौर से जब यहाँ पर क्षत्रिय समाज तो बीएसपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान से लगा हुआ है तो वहाँ के मुस्लिम समाज से भी मैं अपील करती हूँ, वो भी हमारे कैराना के उम्मीदवार को जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं तो मुस्लिम समाज भी अपना एक एक वोट देकर इनको जरूर कामयाब बनाए और इस भाईचारे को आप लोग जरूर मजबूत बनाए, क्योंकि सहारनपुर के क्षत्रिय समाज के लोगों को ये मालूम है कि यहाँ से बीएसपी से क्षत्रिय भी मेंबर पार्लियामेंट बना। तो मायावती क्षत्रिय मुस्लिम गठजोड़ की बात कैराना और सहारनपुर सीट पर करती हैं। इसमें वो कितना कामयाब होंगी, आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी से नाराज ठाकुर वोटर्स इस बार बीजेपी से सच में बड़ी संख्या में छिटकेगा? अगर हाँ तो किसकी तरफ, अखिलेश या मायावती? क्योंकि अखिलेश यादव भी क्षत्रियों की नाराजगी को कैश करवाने में लगे हैं। उधर सीएम योगी लगातार ठाकुर मतदाताओं को मनाने में लगे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में बीएसपी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटकर माजिद अली पर दांव लगाया है। इनके सामने इमरान मसूद एक बड़े मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से लखनपाल मैदान में है। कैराना की बात करें तो यहां पर बीएसपी ने बीजेपी के प्रदीप चौधरी और सपा के इकरा हसन के सामने ठाकुर समाज की श्रीपाल राणा को उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।